बिस्मिल्लान बसीरत का चैनल है जानब से उनके साल सवाब के लिए पेश की जा रही है आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है फातहा और तीन मरतबा सूर्य अख्लास पढ़ कर मरहुमा के साल ब के लिए दुआ कीजिए उसके अलावा बेश बहा किताबें सौ से ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। इस इस्लामिक और वर्चुअल लाइब्रेरी में जिनमें नकुश इमाम जाफर सादिक, विलादत से शहादत तक तिब्बे अल सादिक, उसके अलावा मुख्तलिफ कुतुब मौजूद हैं, अकायद सीरत और करबला के मौजू पर जिनसे आप सब लोग इस्ता कर सकते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जजाक इसमें ला रहीकुम कारीन और सामीन हम यूट्यूब चैनल है ये काशान बसीरत का और यहाँ पर किताब पढ़ रहे हैं कससल क़ुरान ये है पार्ट नंबर फिफ्टीन और पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन से हम आज की रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये भी मैं बता दूँ ख़ासतौर पर हम इस जो आज की जो रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं इससे हम बायदा अलैहिस्सलाम का जो क़स्सा है उसके हवाले से डिटेल पढ़ने जा रहे हैं पिछली ऑडियो में भी थोड़ा बहुत हमने ज़रूर पढ़ा था लेकिन अब बाकायदा इसका आगाज़ कर रहे हैं और हेडिंग है एहसन अलस लिखा है कि कुरान में दास्तान यूसफ़ को शुरू करते हुए खुदा फरमाता है इन्वर्टिड कॉमा में कि हम इस कुरान के ज़रिए जो आप पर वही होती है के ज़रिए अहसन कस बयान करते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ और ये यह यूसुफ की आयत नंबर तीन है फिर आगे लिखा है कि यह वाक़ा कैसे बेहतरीन ना हो जबकि इसके हिजान अंगेज़ पेचोख़म में ज़िंदगी की अली तरीन दरूस की तस्वीर कशी की गई है इस वाक़े में हर चीज़ पर खुदा के इरादे की हकमियत का अहम का हम अच्छी तरह मुशाह करते हैं हसद करने वालों का मनहूस अंजाम हम अपनी आँखों से देखते हैं और उनकी साजिशों को नक्श बरआब होते हुए देखते हैं बेइफ़ती की आरों और पारसाई व की आजमत व शिको कि उस उसकी सतूर में हम मुजसम पाते हैं कुएं की गहराई एक नन्हे बच्चे की तन्हाई जिंदान की तारीख़ कोठरी में एक बेगुनाह कैदी की शब रोज़ यासो नाउमीदी के स्या पर्दों के पीछे नूर उम्मीद की तजली और आखिरकार एक वसी हुकूमत की अज़मत व शिको के जो आगाही व अमानत का नतीजा है ये तमाम चीज़ें उस दास्तान में इंसान की आंखों के सामने साथ साथ गुजरती हैं वो बुल्हे के जब एक मानी खेस ख्वाब से एक कौम की सरनवश बदल जाती है वो वक्त के जब एक कौम की ज़िंदगी एक बेदार खुदाई जमामदार के जमामदार के केल्मा आगही के जेरसाया नाबूदी से निजात पा लेती है और ऐसे ही दसियों दर्स जिस दास्तान में मौजूद हों वो क्यों ना अहसनलक हो अलबत् यही काफ़ी ही नहीं कि हज़रत यूसुफ़ सलाम की दास्तान एहसन अल्कस है अहम बात यह है कि हम में ये लियाक़त हो कि ये अजीम दर्स हमारी रूह में उतर जाए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़रत यूसुफ़ु सलाम के वाक़े को एक अच्छे रूमानवी वाक़े केनवान से देखते हैं इन इन जानों इन जानवरों की तरह इन्हें हाँ इन जानवरों की तरह जिन्हें एक सरसब्जो शादाब और फल फूल के से लदे हुए बाग में सिर्फ कुछ घास नज़र पड़ती है कि जो उनकी भूख को ज़ायल कर दे फिर आगे लिखा है कि अभी तक बहुत से ऐसे लोगों ने लोग हैं कि जो इस दास्तान को झूठे पर वबाल देकर परोबाल देकर कोशिश करते हैं कि इससे एक सेक्सी दास्तान बना लें जबकि इस वाक़े के लिए यह बात नाशाइ है और दरअसल दास्तान में तमाम आला इंसानी कदरें जमा हैं आइंदा सफ़ात में हम देखेंगे कि इस वाक़े के जाम ख़ूबसूरत पेचोकम को नज़रअंदाज करके नहीं गुज़रा जा सकता एक शायर शेरी सुखन के बकौल के कभी कभी इस दास्तान के पुकशिश पुकशिश पहलुओं की महक इंसान को इस तरह सरमस्त कर देती है कि वो बेखुद हो जाता है अब अगली हेडिंग को हम मिलकर पढ़ेंगे हेडिंग है उम्मीद की किरण और मुश्किलात की इब्ता लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाके का आगाज कुरान उनके अजीब और मानी खेज़ ख्वाब से करता है क्योंकि ये ख्वाब दरअसल हजरत यूसफ्लम की तलातुम खेज ज़िंदगी का पहला मोड़ शुमार होता है एक दिन सुबह सवेरे आप बड़े शौक और वारफ्तगी से बाप के पास आए और उन्हें एक नया वाक़ा सुनाया जो ज़ाहिरन कोई ज्यादा अहम न था लेकिन दरहीक़त उनकी ज़िंदगी में एक ताज़ा बाप खुलने का पता दे रहा था हम आ गए पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सेवनटीन पर इन्वर्टेड कौमा में लिखा है कि यूसुफ़ ने कहा अबा जान मैंने कल रात ग्यारह सितारों को देखा कि वह आसमान से नीचे उतरे सूरज और चाँद उनके हमरा थे सब के सब मेरे पास आए और मेरे सामने सजदा किया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ये अल्फाज हैं सूर्य की आयत नंबर चार के जो हमने पढ़े फिर लिखे अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब शब जुमा देखा था कि जो शब शब कदर भी थी वो रात जो मुकद्रा के तयन की रात है यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ् ने जब यह ख़्वाब देखा उस वक्त आपकी उम्र कितने साल थी इस सिलसिले में बाज ने नौ साल ने बारह साल और बाज़ ने सात साल की उम्र लिखी है जो बात मुसलम है वह यह है कि उस वक्त आप बहुत कम सिंध थे इस हैजान अंगेज़ और मानी ख़ेस ख्वाब पर ख़ुदा के पैगम्बर याकूब अल्लम फ़िक्र में डूब गए कि सूरज चांद और आसमान के ग्यारह सितारे वह ग्यारह सितारे नीचे उतरे और मेरे बेटे फलेसलम के सामने सजदा रेज हो गए यह किस कदर मानी आफरीन है यकीन सूरज और चांद में और उसकी मां यानी कि यह या मैं और इसकी खाला हैं और ग्यारह सितारे इसके भाई हैं मेरे बेटे की कदर मंजलत और मकाम इस कदर बुलंद होगा कि आसमान के सितारे सूरज और चांद उसके आस्ने पर जबीसाई करेंगे ये बारगाह इलाही में इस कदर अजीज़ और बवक़ार होगा कि आसमान वाले भी इसके सामने खुशु खुशु करेंगे ए, कितना पुरशिको और पुरकश ख्वाब है अगले पैाग्राफ में लिखा है लिहाजा परेशानी और इसतराब के अंदाज़ में कि जिसमें एक मुसरत भी थी अपने बेटे से कहने लगे कि मेरे बेटे अपना भाइयों को ना बताना क्योंकि तेरे खिलाफ खतरनाक साजिश करेंगे मैं की पांच के आगे चलते हैं लिखा है वो मौके की ताड़ में है ताकि अपने बसफ़सों का आगाज करें कि ना हसद की आग भड़कएं यहाँ तक के भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दे लेकिन ये ख्वाब सिर्फ मुस्तबिल करता था बल्कि निशान ध ही करता था कि वो मकाम नबूवत तक भी पहुँचेंगे क्योंकि आसमान वालों का सजदा करना आसमानी मकाम की बुलंदी पर पहुँचने की दलील है इसीलिए तो उनके पिदर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि और इस तरह तेरा परवरदिगार तुझे मुंतखब करेगा और तुझे ताबीर ख़्ब का इल्म देगा और अपनी नेमत तुझ पर और आले याकूब सलाम पर तमाम करेगा जैसे उसने कबल अज़ी तेरे बाप इब्राहिम सलाम और सलाम पर तमाम की हाँ तेरा परवरदिगार आलिम है और औरमत के मुताम करता है इन्वर्ट कौमकलोज हो गया और ये अल्फ़ हमने पढ़े सूर्यफ़ की आयत नंबर छः के अगली हेडिंग है भाइयों की साजिश आइए है जानते हैं यहाँ से यूसुफ यूसफ़ल के भाइयों की यूसुफ यूसुफल के ख़िलाफ़ साजिश शुरू होती है कुरान में इन बहुत से असलाही दरूस की तरह इशारा किया गया है जो इस दास्तान में मौजूद हैं इर्शाद होता है यकीन यूसुफलम और उसके भाइयों की दास्तान में सवाल करने वालों के लिए निशानियाँ थीं इन्वर्टर कॉमा क्लोज और ये हजरत सूरह यूसुफ की आयत नंबर 7 को हमने अभी उसका कुछ हिस्सा पढ़ा अब अगले पेज पर हम आ गए हैं पेज नंबर 118 लिखा है इससे बढ़कर और क्या दर्ष होगा कि चंद ताकतवर افراد एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कि जिसका सरचश्मा चश्मा हसद था जाहिरन एक कमजोर और अंतहा और तनह शख्स को नाबूद करने के लिए अपनी तमाम सर्फ करते हैं मगर इस काम से उन्हें ख़बर नहीं होती कि वो इसे एक हुकूमत के तख्त पर बिठा रहे हैं और एक वसी ममलिकत का फरमा बना रहे हैं और आखिर का वो सब उसके और आखिर वो सब के सामने सरे तज़ीम और तस्लिम खम करते हैं ये अमर निशानदेही करता है कि जब खुदा का, का काम खुदा किसी काम का इरादा करता है तो वो इतनी ताकत रखता है कि इस काम को उसके मुखालफिन के हाथों पाए तकमील तक पहुँचा दे ताकि वह वाज हो जाए कि एक पाक और साहिब ईमान इंसान अकेला नहीं है और अगर सारा जहान उसकी नाबूदी पर कमर बांध ले लेकिन खुदा न चाहे तो कोई उसका बाल भी बिका नहीं कर सकता अगले पैराग्राफ में लिखा है कि हज़रत याकूब आम के बारह बेटे थे उनमें अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे उनकी वालिदा का नाम राहील था याकूब इन दोनों बेटों से खूस यूसुफ्लम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे क्योंकि एक तो ये कि उनके छोटे बेटे थे लिहाजा फितरतान ज़्यादा तो तवज् और मोहब्बत के मोहताज थे और दूसरा उनकी वालदा राहील फ़ौत हो चुकी थी इस बिना पर भी उन्हें ज़्यादा तोज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी अलावा अज़ी खसूसियत के साथ हज़रतूसफ में नाबा नूनफेन है और गैरमूली शख्सियत होने के आसार नुमायाँ थे मजमू तौर पर इन सब बातों की बिना पर हज़रत याकूब सलाम व वाज तौर पर इनसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करते थे हासिद भाइयों की तवज्जो इन पहलुओं की तरफ नहीं थी और वो इस बात पर बहुत नारात और नाराज़ थे खसूसा शायद माओ के अलग अलग होने की वजह से भी फ़रतन उनमें रकावत मौजूद थी लिहाजा वो इकट्ठे हुए और कहने लगे कि इन ब्रैकेट में है इन्वर्टेड कौमा में कि यूसुफ़ और उसके भाई को बाप हम से ज़्यादा प्यार करता है हालांकि हम ताकतवर और मुफीद लोग हैं इन्वर्ट कॉमा क्लोज़ हज़रत यूसुफ़ सॉरी हज़रतूसफ़ यूसुफ़ की आयत नंबर आठ है फिर इसके बाद आगे चलते हैं लिखा है कि और बाप के अमूर को बेहतर तौर पर चला सकते हैं इसलिए इसे इन छोटे बच्चों की नस्बत से ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए जबकि उनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता इस तरह यक तरफा फैसला करते हुए उन्होंने अपने बाप के ख़िलाफ़ कहा कि इन्वर्ट कॉमा के हमारा बाप वाज गुमरा में है और ये इन्वर्ट वहाँ क्लोज़ हो गया है ये भी सूर्य यूसफ़ की ऐत नंबर आठ का ही हिस्सा है लिखा है हसद और कीने की आग ने उन्हें इजाज़त न दी कि वो मामले के तमाम अतराफ़ पर गौर करते और इन दो बच्चों से इजहार मोहब्बत पर बाप के दलाल मालूम करते क्योंकि हमेशा जाती मफादात हर शख्स की फिक्र पर पर्दा डाल देते हैं और उसे एक तरफा फैसलों पर आमादा कर देते हैं कि जिनका नतीजा हक अदालत के रास्ते से गुमराही है अलबत्त इनकी मुराद दीन व मज़हब के अतबार से गुमराही न थी क्योंकि बाद में आने वाली गुफ्तु निशानदेही करती है कि अपने बाप की अजमत और नबोत पर उनका अकैदा था और उन्हें सिर्फ उनके तर्ज़ माशरत पर इतराज़ था अगली हेडिंग है यूसुफ्लम को कतल कर दिया जाए लिखा है बुग्ज और के जज्बा ने आखिरकार भाइयों को एक मनसूबा बनाने पर आमादा किया वो एक जगह जमा हुए और दो तजावीज इनके सामने थी कहने लगे इनवर्टेड कॉमा या यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे दूर दराज के किसी इलाके में फेंकाओ ताकि बाप की मोहब्बत का पूरा रुख हमारी तरफ हो जाए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ये सूर्यफ आयत नंबर नौ हमने पढ़ी अब हम आ गए हैं पेज नंबर 119 पर लिखा है ये ठीक है कि इस काम पर तुम्हें एहसास गुनाह होगा और वजदान की निदामत होगी क्योंकि अपने छोटे भाई पर यह जुल्म करोगे लेकिन इस गुना की तलाफी मुमकिन है तोबा कर लेना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि और इसके बाद साले जमीयत बन जाना और ये सूर्युफ़ की आयत नंबर नौ का हिस्सा पढ़ा हमने फिर आगे लिखा है लेकिन भाइयों में से एक बहुत समझदार था या उसका ज़मीर नस्बता ज़्यादा बेदार था इसीलिए उसने यूसुफ को कत्ल करने के मनूबे की मुखालफत की और इसी तरह किसी दूर दराज इलाक़े में फेंक आने की तजवीज़ की पेशकश की क्योंकि इस मनसूबे में यूसुफ यूसुफ् की हलाकत का ख़तरा था उसने एक तीसरा मनसूबा पेश किया और कहने लगा कि अगर तुम्हें ऐसा काम करने पर इसरार ही है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो बल्कि उसे किसी कुएं में फेंक दो इस तरह से कि वह ज़िंदा भी रहे ताकि राह गुजारों कि किसी काफ़िले के हाथ लग जाए और वह उसे अपने साथ ले जाएं और इस तरह से ये हमारी और बाप की आंखों से दूर हो जाएगा इनवर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया और ये आयत सूरह यूसुफ की आयत नंबर दस हमने पढ़ी उसके बाद हेडिंग है मनहूस साजिश लिखा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की आखिरी साजिश पर इतफ़ा कर लिया तो ये सोचने लगे कि अलैहिस्सलाम को किस तरह लेकर जाएं लिहाजा इस मकसद के लिए उन्होंने मंसूबा तैयार किया इसके लिए वो बाप के पास आए और अपना हक़ जताने के अंदाज़ में नरमनाजिक लहजे में मोहब्बत भरे शिकवे की सूरत में कहने लगे इन्वर्टेड कौम बाबा जान आप यूसुफ्लम को क्यों कभी अपने से जुदा नहीं करते और हमारे सुपुर नहीं करते आप हमें भाई के बारे में अमीन क्यों नहीं समझते हालाँकि हम यकीन इसके खैर ख्वाह हैं इन्वर्ट कॉमा क्लोज़ और और ये सूर्य यूसुफ की आयत नंबर ग्यारह हमने पढ़ी फिर आगे लिखा है इनवर्टेड कॉमा में ही लिखा है कि आइए जिसका आप हमें मुतहिम मुतहिम समझते मीमते है मीम समझते हैं उसे जाने दीजिए अलावा अजी हमारा भाई उम्र है उसका भी हक है इसे भी शहर से बाहर की आज़ाद फ़जा में घूमने फिरने की ज़रूरत है इसे घर के अंदर क़ैद कर देना ना दुरुस्त नहीं है कल इसे हमारे साथ भेजिए ताकि ये शहर से बाहर निकले और चले फिरे दरख्तों के फल खाए खेले कूदे और सैर वफरी करें इन्वर्टेड कौमा क्लोज़ हो गया और यह सूर्यसफ़ की आयत नंबर बारह थी इसके बाद है कि और अगर आपको इसकी सलामती का ख़्याल है और परेशानी है तो हम सब अपने भाई के महाफिज होने के बहान होंगे इनवर्टेड कॉमा क्लोज ये यूसुफ की आयत नंबर बारह थी आगे लिखा है क्योंकि आखिर ये हमारा भाई है और हमारी जान के बराबर है इस तरह उन्होंने भाई को बाप से जुदा करने का बड़ा माहराना मनसूबा तैयार किया हो सकता है उन्होंने ये बातें यूसुफ् के सामने की हों ताकि वो भी बाप से तकाजा करें और उनसे सहरा की तरफ जाने की इजाज़त ले लें इस मनसूबे में एक तरफ बाप के लिए उन्होंने ये मुश्किल पैदा कर दी थी कि अगर वो यूसुफ़ को हमारे सुपुर्द नहीं करते तो ये इस अमर की दलील है कि हमें समझने समझते हैं और दूसरी तरफ खेल कूद और सैर तफरी के लिए शहर से बाहर जाने की यूसुफ लिए के लिए तहरीक थी अब आगे लिखा है अगली हेडिंग आ गई है लिखा है कनान के भेड़िए काफनून कन आन के भेड़िए हज़रतूब ने बरदरान यूसुफ्लम की बातों के जवाब में बजाए इसके कि उन्हें बुरे इरादे का इल्ज़ाम देते कहने लगे कि मैं जो तुम्हारे साथ यूसुफ़ को भेजने पर तैयार नहीं हूँ तो उसकी दो वजूह हैं समय हैं हम पेज नंबर वन ट्वेंटी पर आ गए हैं दो वजूहत हैं पहली ये कि यूसुफ अल्लाम की जुदाई मेरे लिए गम अंगेज़ है और यहाँ ये यह जो बात है ये सराह यूसुफ की नंबर तेरह को हमने पढ़ा उसके बाद लिखा और दूसरी ये कि हो सकता है कि इनके इर्द गिर्द के, के बयाबानों में खूंखार भेड़िए हों और मुझे डर है कि मुबादा कोई भेड़िया मेरे फर्जंद दिलबंद को खा जाए और तुम अपने खेल कूद और तफरी सैर में और दूसरे कामों में मशगूल रहो इन्वर्टेड को यहाँ पे भी इन्वर्टेड क्लोज हो गया और यह यूसुफ़ की आयत नंबर तेरा है उसके बाद लिखा है ये बिल्कुल फित्री था कि इस सफर में भाई अपने आप में मशगूल हों और अपने छोटे भाई से गाफिल हों और भेड़ियों से भरे इस बेबान में कोई भेड़िया यूसफ को उठाए बल्कि भाइयों के पास बाप की पहली दलील का कोई जवाब ना था क्योंकि यूसुफ की जुदाई का गम ऐसी चीज न थी कि जिसकी वो तलाफी कर सकते बल्कि बल, शायद इस बात ने भाइयों के दिल में हसद की आग को और भड़का दिया हो दूसरी तरफ बेटे को बाहर ले जाने के बारे में बाप की दलील का जवाब था कि जिसके जिक्र की चंदा जरूरत न थी और वो ये कि आखिरकार बेटे को नशोनुमा और तरबियत के लिए चाहते या ना चाहते हुए बाप से जुदा होना है और अगर वो नौ रस्ता के पौधे की तरह हमेशा बाप के सिरे रहे तो नशोनुमा नहीं पा सकेगा और बेटे के तकामल व इर्तका के लिए बाप मजबूर है कि ये जुदाई बर्दाश्त करे आज खेल कूद है कल तहसील इल्मानश है परसों ज़िंदगी के लिए कसबोकार और सै कोशिश है आखिर कार जुदाई ज़रूरी है लिहाजा असलन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया बल्कि दूसरी दलील का जवाब शुरू किया कि जो इनकी निगाह में अहम और बुनियादी थी और कहने लगे कि इन्वर्टेड कॉमा कैसे मुमकिन है कि हमारे भाई को भेड़िया खा जाए हालांकि हम ताकतवर लोग हैं अगर ऐसा हो जाए तो हम जियाँकार व बदबकोंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये सूर्यसफ़ की आयत नंबर फोर्टीन हमने यहाँ पर पढ़ ली अब हम चलते हैं आगे यानी क्या हम मुर्दा हैं कि बैठ जाएं और देखते रहेंगे और भेड़िया हमारे भाई को खा जाएगा भाई को भाई से जो ताल्लुक़ होता है इसके अलावा जो बात इसकी हफ़ाजत पर हमें उभारती है यह है कि हमारी लोगों में इज़्ज़त आबरू है लोग हमारे मुताल क्या कहेंगे यही ना कि ताकतवर मोटी गर्दन वाले बैठे रहे और भाई अपने भाई पर भेड़िए को हमला करते देखते रहे क्या हम फिर हम लोगों में जीने के काबिल रहेंगे और यहाँ पर ये यहाँ आगे हाशिए में लिखा है कि यहाँ ये सवाल सामने आता है कि तमाम खतरात में से हज़रत याकूब वलहस सलाम ने न सिर्फ भेड़िए के हमले के खतरे की निशानदेही क्यों की थी नहीं दोबारा पढ़ती हूँ कि सवाल ये सामने आता है कि तमाम ख़तरा में से हजरत याकूब आसमाम ने सिर्फ भेड़िए के ख़तरे की निशानदेही क्यों की थी बाज़ कहते हैं कि कनान का बयाबान भेड़ियों का मरकज़ था इसलिए ज़्यादा ख़तरा इसी तरफ से महसूस होता है बाज़ दीगर कहते हैं कि ये एक ख्वाब की वजह से था कि जो हजरत याकूब ने पहले देखा था कि भेड़ियों ने उनके बेटे यूसुफ़ यूसफ़ पर हमला कर दिया है ये अहतमाल भी जिक्र किया गया है कि हजरत याकूब ने कनाए की ज़बान में की थी और उनकी नजर भेड़िया सिफत इंसानों की तरफ थी जिस जैसे यूसुफ अम के बाज़ भाई थे तो यूँ हमने ये भी हाशिए में जान लिया इसके बारे में फिर आगे लिखा है सफ़े पर कि उन्होंने बाप की इस बात का भी जवाब दिया कि हो सकता है कि तुम खेल कूद में लग जाओ और यूसुफ़ से गाफिल हो जाओ और ये कि यह मसला गोया सहारी दौलत और इज्जत और आबरू के ज़ाया होने का है ऐसा मसला नहीं है कि खेल कूद हमें गाफिल कर दे क्योंकि इस सूरत में हम लोग बेवक़त हो जाएंगे और हमारी कोई कीमत नहीं होगी बहरहाल उन्होंने बहुत हीले किए खून हज़र यूसुफ़ मैं बात को तहरीक किया और उन्हें शौक दिलाया कि वो शहर से बाहर तफरी के लिए जाएं और शायद ये उनके लिए पहला मौका था कि वो बाप को इसके लिए राजी करें और बाहर सूरत इस काम के लिए उनकी रजामंदी हासिल करें पेज वन ट्वेंटी वन पर हम आगे लिखा ये एहतमाल भी जिक्र किया गया है कि हजरत यूसुफ् ने कनाए की जबान में, कनाए यानी इशारे की जबान में बात की थी और उनकी नज़र भेड़िया सिफत इंसानों की तरफ थी जैसे कि यूसफ भाई थे अब अगली हेडिंग है रोते हुए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को विदा किया आखिरकार भाई कामयाब हो गए उन्होंने बाप को राजी कर लिया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दे वो रात उन्होंने इस खुश ख्याली के साथ गुजारी कि कल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अमली इख्तियार शक्ल इख्तियार कर लेगा और रास्ते की रुकावट इस भाई को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे परेशानी उन्हें सिर्फ ये थी कि बाप पशेमान ना हो और अपनी बात वापस ना ले ले सुबह सवेरे वो बाप के पास गए और यूसुफ की हिफाजत के बारे में बाप ने हिदायतें दोहराई उन्होंने भी इजहार अतात किया बाप के सामने उसे बड़ी मोहब्बत और वहतराम से उठाया और चल पड़े अगले पैराग्राफ में लिखा है कहते हैं कि शहर के दरवाजे तक बाप उनके साथ आए और आखिरी दफ़ा यूसुफ़ को उनसे लेकर अपने सीने से लगाया आंसू उनकी आंखों से बरस रहे थे फिर अलैहिस्सलाम को उनके सुपुर्द करके उनसे जुदा हो गए लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें इसी तरह बेटों के पीछे थीं जहाँ तक बाप की आंखें काम करती थीं वो भी यूसुफ पर नवाजिश और मोहब्बत करते रहे लेकिन जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि अब बाप उन्हें नहीं दिखा देख सकता तो अचानक उन्होंने आंखें फेर ली साल हर साल से हसद की वजह से जो उनके अंदर तह बत बख्सों की ना मौजूद था वो हज़रत यूसुफ्लम पर निकलने लगा वो हर तरफ से उसे मारने लगे वो एक से बचकर दूसरे की पनाह लेते लेकिन कोई भी उन्हें पनाह ना देता अब हेडिंग लिखी है यूसुफ की हंसी और उनका रोना लिखा एक रिवायत में है कि इस तूफ़ान बला में हज़रतूसफ्लम आंसू बहा रहे थे और जब वो उन्हें कुएँ में फेंकने लगे तो अचानक हज़र यूसफ़ हँसने लगे भाइयों को बहुत तजुब हुआ ये हंसने का कौन सा मकाम है गोया अलैहिस्सलाम ने इस मसले को मजाक समझा और बाद से बेखबर और आ... समझा है और बाद से बेखबर है कि स्याह वक्त और बदबकी उसके इंतज़ार में है लेकिन ही उसफ ने इस हंसने के मकसद से पर्दा उठाया और सबको अजीम दर दर्स दिया कहने लगे इन्वर्टेड कॉमा के मैं नहीं भूलता कि एक दिन तुम ताकतवर भाइयों तुम्हारे कौमी बाज़ुओं और बहुत ज्यादा जिसमानी ताकत पर मैंने नज़र डाली तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपने आप से कहा कि जिस के इतने दोस्त और मददगार हों से सख्त वादिस का क्या गम है उस दिन मैंने तुम पर भरोसा किया और पना लेता हूँ और तुम मुझे पना नहीं देते खुदा ने तुम्हें मुझ पर मुसलत किया है ताकि मैं ये दर्द सीख लूँ कि इसके गैर पर यहाँ तक के भाइयों पर भी भरोसा ना करो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया उसके बाद लिखा है कि इसके आगे कुरान मजीद कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा कि उस वक्त हमने यूसुफ यूसफ़ की तरफ वही भेजी उसे तसल्ली दी और उसकी दिलजोई की और उससे कहा कि तुम गम ना खाओ एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इन्हें इन तमाम मनहू साजिशों और मनसूबों से आगाह करोगे और वो तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर पंद्रह थी जो हमने पढ़ी अब हम आ गए हैं पेज नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पर लिखा है कि वो दिन के जब तुम तख्त हुकूमत पर तकिया लगाए होगे और तुम्हारे ये भाई तुम्हारी तरफ दस्ते न्यास फैलाएंगे और ऐसे तशना कामों की तरह के जो चश्मे खुशगवार की तलाश में तपते हुए बयाबान में सरगर्दा होते हैं तुम्हारे पास बड़े इंकसार और फरूतनी से आएंगे लेकिन तुम अब इतने बुलंद मकाम पर पहुँचे होगे कि इन्हें ख्याल भी ना होगा कि तुम उनके भाई हो और उस रोज़ तुम उनसे कहोगे कि क्या तुम ही थे जिन्होंने अपने छोटे भाई यूसुफ यूसुफ् के साथ ये सलूक किया और उस दिन ये किस कदर शर्मसार और पशेमान होंगे और ये हज सूर यूसुफ की आयत नंबर बाईस के करीने से मालूम होता है कि ये वही इलाही व न वही नबौत न थी बल्कि अलैहिस्सलाम के दिल पर इल्हाम था ताकि वो जान ले कि वो तन्हा नहीं है और उनका एक आ, उनका एक हाफिज और निगेबान है उस वही इन, आ, इस वही ने क़लब यूसुफ़ पर उम्मीद की जियापाशी की और यासो नाउमीद की तारिकियों को इसकी रूह से निकाल दिया अब यहाँ पर हम आगे पैरग्राफ़ में पढ़ रहे हैं कि इस नुकते की तरफ तोज्हरूरी है कि उन्होंने इतफ़ा किया कि उसे कुएं की मख्फी जगह पर डाल दें यह जुमला इस बात की दलील है कि उन्होंने को कुएं में फेंका नहीं था बल्कि नीचे ले गए थे कुएं की तह में एक चबूतरा सा नीचे जाने वालों के लिए बनाया जाता है और सतह के करीब होता है उन्होंने हजरत यूसुफ की कमर में तनाव डालकर वहां तक पहुंचाया और वहां छोड़ दिया अब अगली हेडिंग है जनाब यूसफर कुएं में लिखा है यह नुकता भी काबिल तोज्जो है कि जिस वक्त हजर यूसुफ भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका तो उसका उनका कुर्ता उतार लिया और उनका बदन बराना हो गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत दादो फरियाद की कि कम से कम मेरा कुर्ता तो मुझे दे दो ताकि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा बदन ढांपे और अगर मर जाऊं तो मेरा कफन बन जाए भाई कहने लगे कि इसी सूरत चांद और सितारों से कह कह जिन्हें ख्वाब में देखा था तक करो कि इस कुएं में तेरे मोने से गमखार और तुझे गमखारुझे लिबास पहनाएं फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है कि म के भाइयों ने जो मनसूबा बना रखा था उस पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल कर लिया लेकिन आखिरकार उन्हें वापस लौटने के बारे में सोचना था कि जाकर कोई ऐसी बात करें कि बाप को यकीन आ जाए कि यूसुफ किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि तबई तौर पर वाद अदम में चला गया है और इस तरह वो बाप की नवाजशात को अपनी जानब मोड़ सकें अब अगली हेडिंग है कि दलील कुनंदा झूठ जलील पता नहीं दलील कुनंदा झूठ है या जलील कुनंदा झूठ है बहरहाल पढ़ते हैं आगे लिखा है क्योंकि नुकते जो हैं वो कुछ मिटे हुए लिखा है क़ुरान कहता है इन्वर्ट कॉमा के रात के वक्त भाई रोते हुए आए इन्वर्ट कॉमा क्लोज़ ये यूसुफ़ की आयत नंबर सोलह उनके झूठे आंसू और टस्वे बहाने से ज़ाहिर होता है कि झूठा रोना भी मुमकिन है और सिर्फ रोती हुई आंख से धोखा नहीं खाना चाहिए बाप जो बड़ी बेताबी और बेकरारी से अपने फ़र्जंद दिलबंद यूसुफ़ की वापसी के इंतज़ार में था उसने जब उन्हें वापस आते देखा और यूसफ उन दिखाई ना दिया तो वो लरस गए और कांप उठे हालात पूछे तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान हम गए और हम सवारी और तीरंदाजी के मुकाबलों में मशगूल हो गए और यूसुफ़ छोटा था और हम से मुकाबला नहीं कर सकता था हम उसे अपने सामान के पास छोड़ गए इस काम में हम इतने महव हो गए कि हर चीज यहां तक के भाई को भी भूल गए इस असना में एक बेरहम भेड़िया उस तरफ आ पहुंचा और उसने उसे चीर फाड़ खाया अब यहाँ पर ये सोरा यूसुफ की आयत नंबर सत्रह को हमने पढ़ा फिर आगे चलते हैं लिखा है कि लेकिन ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है कि लेकिन हम जानते हैं कि तुम हरगिज़ हमारी बातों का यकीन नहीं करोगे अगरचे हम सच्चे हों क्योंकि तुमने पहले ही इस कस्म की इस कस्म की पेश भी नहीं की थी लिहाजा इसे बहाना समझोगे इन्वर्ट कॉमा क्लोज़ हो गया ये सोया यूसुफ की आयत नंबर सत्रह हमने पढ़ी अब हम इस किताब के पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री पर आ गए लिखा है भाइयों की बातें बड़ी सोची समझी थी पहली बार है कि उन्होंने बाप को या अपने वाल, आ, ए हमारे वालिद के लफ्ज से मुखातिब किया जिसमें एक जज्बाती पहलू था दूसरी बात यह कि फितरी तौर पर ऐसी तफरी गाह में ताकतवर भाई भाग दौड़ में मशगूल होंगे और छोटे को सामान की निगहदाश्त पर मुकर करेंगे और इसके अलावा उन्होंने बाप को गफलत में रखने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया और रोती हुई आँखों से कहा कि तुम हरगिज़ यकीन नहीं करोगे कि अगरचे हम सच बोल रहे हों नीज़ इस बिना पर कि बाप को एक जिंदा निशानी भी पेश करें इन्वर्टेड कौम में लिखा है कि वह यूसुफ़ की कमीज़ को झूठे ख़ून में तर किए हुए थे इन्वर्टेड कौम में यहाँ पर क्लोज़ हो गया और ये सूर्य यूसुफ़ की आयत नंबर अट्ठारह का हिस्सा था आगे लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में कि वो खून उन्होंने बकरी या भेड़िए के बच्चे या हिरन का लगा रखा था जो कि हज़रत अलैहिस्सलाम के, के कुर्ते पे था लिखा है कि लेकिन दर्द गैन गो फिर ये फ़ारसी है शायद ब्रैकेट में लिखा हुआ इनवर्टेड कॉमा में कि लेकिन दर्द गो हाफ़ा न अच्छा अब लिखा है कि और एक हकीकी वाक्य के मुख्तलिफ पहलू होते हैं और इसके मुख्तलिफ कवायफ और मसाइल होते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि इन सब को एक फ़र्ज़ी कहानी में समोया जा सके लिहाजा बरदरान यूसुफ़ भी इस नुक्ते से गाफ़िल रहे कि कम अज़ कम यूसुफ़ के कुर्ते को चंद जगह से फाड़ लेते ताकि वह भेड़िए के हमले की दलील बन सके वो भाई की कमीज़ को उसके बदन से सही साल उतार कर खून आलोद करके बाप के पास ले आए समझदार और तजर्बाकार बाप की जब इस कुर्ते पर नगा पढ़ी तो वो सब कुछ समझ गए और कहने लगे कि तुम झूठ बोलते हो इन्वर्टेड कॉमा में साथ साथ लिखा है कि बल्कि नफसानी हो और हवस ने तुम्हारे लिए ये काम पसंदीदा बना दिया है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हुआ कि सूर्य यूसुफ़ की आयत नंबर अट्ठारह को हमने पढ़ा अब आगे चलते हैं इसमें लिखा है के और ये शैतानी साजिशें हैं अच्छा अब अगली हेडिंग आ गई कि मेहरबान भेड़िया लिखा है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता उठाया और उसको उलट पलट कर देखा और कहा कि फिर इसमें भेड़िए के पंजों और दांतों के निशान क्यों नहीं हैं एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता अपने मुंह पर डाल लिया और फ़रियाद करने लगे और आंसू बहाने लगे और कह रहे थे कि यह कैसा मेहरबान भेड़िया था जिसने मेरे बच्चे को तो खा लिया लेकिन उसके कुर्ते को तो ज़र्रा भर नुकसान भी ना पहुँचाया उसके बाद वो बेहोश होकर ख़ुश्क लकड़ी की तरह ज़मीन पर गिर पड़े बाज़ भाइयों ने फरियाद कि ए वाय हो हम पर रोज़यामत अदले लाही की अदालत में हम भाई भी हाथ से देव बैठे हैं और बाप को भी हमने कत्ल कर दिया है उधर बाप इसी तरह सहरी तक बेहोश रहे लेकिन सहरगाही की नसीम सर्द के झोंके उनके चेहरे पर पड़े तो वो होश में आ गए बावजूद ये कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में आग लगी हुई थी उनकी रूह जल रही थी लेकिन जबान से हरगिज़ ऐसी बात ना कहते थे जो ना शुक्री यासो और जजोफज के निशानी हो बल्कि कहा इन्वर्टेड कॉमा के मैं सबर करूँगा सब्र जमील ऐसी शिकेबाई जो शुक्र गुज़ारी और हमदे खुदा के साथ हो इन्वर्टेड कमा क्लोज़ ये सूरा युसफ की आयत नंबर अट्ठारह उसके बाद जनाब याक़ूब आसमाम कहने लगे इन्वर्टेड कॉमा के जो कुछ तुम कहते हो उसके मुकाबले में ख़ुदा से मदद तलब करता हूँ इन्वर्ट कॉमा क्लोज़ सरासुफ आयत नंबर अठारह मैं इससे चाहता हूँ कि जाम सब्र की तलख़ी मेरे हलक में शरी ज़बान ना ना दुरुस्त और गलत बात से आलूदा ना हो उन्होंने ए, ये नहीं कहा कि यूसुफ की मौत की मुसीबत पर मुझे शकेबाई दे क्योंकि वो जानते थे कि यूसुफ कत्ल नहीं हुए हैं बल्कि कहा कत्ल नहीं हुए बल्कि कहा कि जो कुछ तुम कहते हो कि जिसका नतीजा हर हाल बहर हाल अपने बेटे से मेरी जुदाई है मैं सब्र करता हूँ अब हम आ गए हैं हमने मुकम्मल कर लिया बल्कि हम मेरे ख़्याल है कि अगली जो रीडिंग है हम पेज 123 पर अपनी रीडिंग का कर अखता करते हैं क्योंकि अगली जो रीडिंग है वो हैडिंग है एक तरकेला के बदले तो वह हम अगली ही अपनी रिकॉर्डिंग में आगाज़ करेंगे तो फिर इजाज़त दीजिए खुदा हाफ फ़ी अमानल्ला